दोस्तों राजवंश सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये जो आज का टॉपिक है, टीचर स्टूडेंट सीरी पे 10th टॉपिक वीडियो का है। तो इसमें मैंने आपको ये सुजेस्ट करने की कोशिश की है कि बच्चों को क्राइमिंग करने की याद, रट्टा लगाने की आदत से बाहर निकाल दो। मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में रट्टा नहीं लगाया, मैंने कभी भी याद करके नहीं लिखा। उसका मेरे को बेस्ट ये मिला कि मैं, मेरा उससे दिमाग डेवलप हुआ। मैं किताब पढ़ता था, किताब को समझता था, चैप्टर पढ़ता था, चैप्टर समझता था, उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे, क्वेश्चन आंसर को समझता था और क्वेश्चन अपने तरीके से देता। उसमें हमें जितना हमें रट्टा लगाने में टाइम लगता है, क्रैमिंग करने में टाइम लगता है, उससे कहीं कम टाइम में हम उसको अंडरस्टैंड करके यहाँ तक जा सकते हैं कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। यदि आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी आ जाए तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक कोई चैप्टर पढ़ा, समझ लिया, अब समझने के बाद कोई बंदा किसी तरीके का सवाल करे, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपकी इंग्लिश बढ़िया हो सकती है, आपकी हिंदी बढ़िया हो सकती है, आपकी मदर टंग बढ़िया हो सकती है, यदि आपका जो भाषा आपके उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, पूरा मतलब अच्छे तरीके से आप उसको लर्न किया हो, अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, तो आप उसमें अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। यदि आप अपनी बात कहने में सक्षम हो जाओगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने ज़िंदगी में रट्टे पर कभी काम ही नहीं किया। मैंने कोई ऐसे लेटर स्टोरी कभी भी रट्टा नहीं लगाता था। मैं समझ के अपने शब्दों में लिखता था और मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता था। सो आपने भी अपने स्टूडेंट्स को रट्टा लगाने से थोड़ा बचाना है उनको, ताकि उनका दिमाग एक तरफ ना लगा रहे। ओवरऑल डिवेलपमेंट, जिसको हम सर्वपक्षी विकास कहते हैं, मतलब हर पक्ष से विकास है, वो तभी होगा यदि आप रट्टे से बाहर निकलोगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आपका सवाल, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि कोई ऐसी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक में।